चंदन सिंह, राहुल कुमार, करण जैन और कुमार शानू, ये सभी नीट से चीट के केस में सबसे नए किरदार हैं। इन सभी को सीबीआई ने बुधवार को पटना एम्स के हॉस्टल से हिरासत में लिया। सीबीआई को शक है परीक्षा माफियाओं ने इन चारों से पेपर सॉल्व करवाया। पटना एम्स अस्पताल के हम परिसर में मौजूद हैं, छात्रावास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बुधवार को दोपहर 3 बजे सीबीआई की टीम पहली बार यहां पहुंची, तब चंदन सिंह जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है उसको अपने साथ ले गई। वहीं शाम 6 बजे दोबारा सीबीआई की टीम बुधवार को यहां आई, तब कुमार सानू और राहुल कुमार नाम के स्टूडेंट को अपने साथ ले गए। ये लोग भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। वहीं एक छात्र जो सेकेंड ईयर में है जिसका नाम गौरव जैन है, वह उस वक्त हॉस्टल में नहीं था, वो देर रात आया तो वो खुद सीबीआई ऑफिस गया और वहाँ पर रिपोर्ट किया है। सीबीआई हिरासत में सभी आरोपी पटना एम्स में मेडिकल के छात्र हैं। चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल कुमार तीनों 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट हैं, जबकि करण जैन सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। सीबीआई ने सभी के कमरों को सील कर दिया है। हमें इन्फॉर्मेशन जो मिला था कि अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था, इसमें जो स्कैम हुआ था, इसी के सिलसिले में इसी में स्टूडेंट इन्वॉल्व हुए हैं। उनका एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्टूडेंट का सब डिटेल, उनका पिक्चर, फोटोग्राफ, उनका मोबाइल नंबर हमारे पास भेजे थे। उसके बाद वो आए टीम और हम एम्स पटना तरफ से उनको जितने कोऑपरेट कर पाएंगे हम किए हैं। अगर ये इसमें इन्वॉल्व हैं तो हम हमारे तरफ से कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी पूरी तरह साफ नहीं कि हिरासत में लिए गए चारों मेडिकल स्टूडेंट्स की नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में क्या भूमिका थी, लेकिन सीबीआई के एक्शन से नीट परीक्षा में गड़बड़ी के तार पटना एम्स से जरूर जुड़ गए हैं। इधर नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के नंबर सार्वजनिक करने के आदेश दिए। कोर्ट ने एनटीए को शनिवार दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे ये पता चलेगा कि किस सेंटर से कैसे नतीजे आए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा नंबर सार्वजनिक करते वक्त छात्रों की पहचान सामने नहीं आनी चाहिए। स्ट्रेट अवे पूछा गया तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने मना कर दिया कि कोई लीक नहीं हो रहा। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि पटना हजारीबाग में क्या है, तो उसको मिसकंडक्ट और उस श्रेणी में ले रहे हैं, वो लीक नहीं मान रहे। दरअसल शुरुआत से ही नीट परीक्षा के कई सेंटर शक के घेरे में है। इसमें हजारी के ओआसिस स्कूल और गोधरा के जय जलाराम स्कूल का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा भी कई सेंटर पर सवाल उठ चुके हैं। वहीं सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चरणचूड़ ने माना कि हजारीबाग में पेपर लीक हुआ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये साफ होना बाकी है कि पेपर कितने बड़े स्तर पर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार सुबह 10:30 बजे से आगे की सुनवाई शुरू करेगा। माना जा रहा है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट नीट केस की जांच में सामने आए तथ्यों को लेकर कोई बड़ा फैसला दे सकता है। वहीं याचिकाकर्ता भी नई दलील दे सकते हैं जिससे नीट परीक्षा का भविष्य तय हो सकता है, क्योंकि आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को साफ कहा कि उन्हें यह साबित करना होगा कि गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है और एग्जाम को रद्द करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब देखना है कि सोमवार को जब फिर से केस की सुनवाई शुरू होगी तब याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या नई दलील और तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, क्योंकि यही तथ्य नीट केस का भविष्य तय करेंगे।